हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं संदीप। एक बार फिर से आपका स्वागत है आपका नेक्स्ट जो वीडियो सीरीज़ है उसमें। इस वीडियो सीरीज़ में भी हम दोस्तों 20 क्वेश्चन को कवर करेंगे। तो देखते हैं पहला क्वेश्चन दोस्तों, 47 देशों की सुपर मॉडल्स ने कहां पर सेव गर्ल चाइल्ड जागरूकता अभियान चलाया। सोनीपत में दोस्तों 23 मार्च 2018 को ये अभियान चलाया गया था। इसमें मतलब कि सेव द गर्ल चाइल्ड, मतलब कि जो हरियाणा में जो सेक्स रेशियो है वो अभी तो बहुत अच्छा हो गया है, उसको लगातार और भी कोशिशें चल रही हैं उसको कैसे और अच्छा किया जाए। इसके लिए ही लगातार कोई ना कोई अभियान हरियाणा में चलाया जाता ही रहता है। और जो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना थी वो भी हरियाणा से ही शुरू की थी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। तो उसी प्रकार से एक और ये अभियान चलाया गया था, इसमें 47 देशों की जो सुपर मॉडल्स थी वो शामिल हुई थी। तो ये दोस्तों सोनीपत कुएं में आयोजित किया गया था 23 मार्च को। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, कहाँ पर हरियाणा सरकार ने 8 करोड़ की लागत से एस्ट्रोटर्फ फुटबॉल ग्राउंड बनाने की घोषणा की है। तो पहले तो मैं आपको ये बता देता हूँ ये एस्ट्रोटर्फ क्या होता है। ये दोस्तों आर्टिफिशियल घास, मतलब कि जो बनावटी घास होती है वो जो ग्राउंड्स में यूज होती है हॉकी में फुटबॉल में, वो अब हरियाणा में कहाँ पर इस प्रकार का स्टेडियम बनाया जाएगा एक। तो ये 8 करोड़ की लागत से घोषणा की गई है, अलकपुरा गांव है भिवानी में, यहाँ पर ये बनाया जाएगा। नेक्स्ट दोस्तों, सरल पोर्टल जिसका हाल ही में शुभारंभ किया गया क्या है। सरल दोस्तों एक ऑनलाइन पोर्टल है, मतलब कि जिस पर कि जो भी ऑनलाइन सुविधाएं होती हैं लोगों को, जैसे कि राशन कार्ड बनवाना हो, डोमिसाइल बनवाना हो, कोई भी और पहचान पत्र बनवाना हो, इस प्रकार की जो सुविधाएँ हैं वो ऑनलाइन एक ही छत के नीचे अंत्योदय भवन है हरियाणा में, जो तहसील स्तर पर शुरू किए गए हैं वहाँ पर ये सुविधाएं उनको उपलब्ध करवाई जाती हैं। और इसमें अभी पिछले दिनों ही एक दो दिन पहले ही रैंकिंग जारी हुई है, उसमें चरखी दादरी ने पहला स्थान हासिल किया है, जो कि सरल पोर्टल के तहत सबसे कम समय में लोगों को सुविधाएं अच्छे से उपलब्ध करवाता है। नेक्स्ट है दोस्तों, हरियाणा में किस स्थान पर जेल में गौशाला की शुरुआत की गई है। तो दोस्तों हरियाणा में करनाल में पहली बार जेल के अंदर गौशाला बनाई गई है, जो कैदी है वह वहाँ पर गायों की सेवा करेंगे। इसके बाद अगला क्वेश्चन है दोस्तों, मोरनी व पिंजौर जैसे दुर्गम इलाकों में उपलब्ध करवाई जाने वाली मोबाइल बाइक एम्बुलेंस सेवा का नाम क्या है। तो इसका नाम है दोस्तों आरोग्यम। इस पर मतलब कि बाइक को मॉडिफाई करके ही उस पर एम्बुलेंस का रूप दिया गया है, उसको जो पहाड़ी इलाका है वहाँ पर जहाँ पर एम्बुलेंस नहीं पहुँच पाती वहाँ पर ये सुविधा हरियाणा में शुरू की गई है पहली बार। तो आपसे जगह पूछ सकते हैं कि कहाँ पर हरियाणा में पिछले दिनों आरोग्यम एम्बुलेंस सेवा की शुरुआत की गई है। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों मोरनी और पिंजौर में। इसके बाद नेक्स्ट दोस्तों, विश्वविद्यालय में APJ अब्दुल कलाम के नाम पर विज्ञान केंद्र स्थापित किया जा रहा है। तो यूनिवर्सिटी का नाम पूछा है, तो ये है दोस्तों गुरु जम्भेश्वर विश्वविद्यालय हिसार, जिसमें ये APJ अब्दुल कलाम के नाम पर विज्ञान केंद्र स्थापित किया जाएगा। नेक्स्ट दोस्तों, कहाँ पर CCTV से चालान प्रणाली शुरू की गई है, मतलब कि जो ट्रैफिक है मैनेजमेंट उसके लिए, मतलब कि कोई रेड लाइट जंप करता है या कोई और ट्रैफिक का नियम तोड़ता है तो उस गाड़ी का जो रजिस्ट्रेशन नंबर है उसको ही CCTV कैमरा कैच कर लेगा, और जो एड्रेस और मोबाइल नंबर रजिस्टर है उस पर उसका चालान, जो भी उसका चालान होना है वो भेज दिया जाएगा। इस प्रकार की सुविधा यमुनानगर में शुरू की गई है दोस्तों। इसके बाद नेक्स्ट है दोस्तों, हरियाणा में पहला पॉलीथीन मुक्त ज़िला, तो फतेहाबाद ज़िला है दोस्तों जो कि हरियाणा का पहला पॉलीथीन मुक्त ज़िला बन गया है। इसके बाद नेक्स्ट दोस्तों, देश की पहली हाइड्रोजन से चलने वाली बस का सफल प्रयोग हरियाणा में कहाँ पर किया गया। ये दोस्तों फरीदाबाद में इसका प्रयोग किया गया था सफलतापूर्वक। आपको पता है कि जो मेट्रो सिटीज़ हैं गुड़गांव फरीदाबाद, अभी पिछले दिनों ही WHO की भी रिपोर्ट आई थी उसमें सबसे प्रदूषित शहरों में शामिल थे, उसी को देखते हुए लगातार इन्वायरमेंट फ्रेंडली कुछ प्रयोग करते रहते हैं। तो उसी का एक अगला कदम है कि यहाँ पर हाइड्रोजन से चलने वाली बस सेवा की शुरुआत आगे आने वाले समय में की जाएगी, तो उसी का परीक्षण ये किया गया था फरीदाबाद में। इसके बाद नेक्स्ट दोस्तों, CM मनोहर लाल खट्टर के मीडिया सलाहकार बनाया गया है। तो अभी पिछले दिनों ही इनकी नियुक्ति हुई थी, राजीव जैन हैं जो अब CM मनोहर लाल खट्टर के मीडिया सलाहकार बनाए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, किन दो स्थानों के बीच 15 अगस्त से वापस से चलने वाली ट्रेन चलाई जाएगी।
ये एक प्रकार के टूरिस्ट के लिए होगी दोस्तों। रेवाड़ी से गढ़ीहरसरू गुड़गांव में पड़ता है, गढ़ीहरसरू जंक्शन, यहाँ तक ये रेल सेवा शुरू की जाएगी। इसके बाद नेक्स्ट दोस्तों, हाल ही में किसे हरियाणा मानवाधिकार आयोग का प्रधान बनाया गया है? तो इसका आंसर दोस्तों सतीश कुमार। और पिछले दिनों ही जो राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग है उसका भी नई नियुक्ति हुई है, वो आपको बताना है कमेंट में, हरियाणा से ही हैं, उनका नाम आपको बताना है कि कौन है जिन्हें पिछले दिनों राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का अध्यक्ष चुना गया है। इसके बाद आपको पता है हर साल को 21 जून को योग दिवस मनाया जाता है, तो इस बार जो हरियाणा में जो राज्य स्तरीय कार्यक्रम था वो कहाँ पर हुआ था? तो वो है दोस्तों जहाँ आरा बाग स्टेडियम झज्जर, यहाँ पर मुख्य अतिथि थे CM मनोहर लाल खट्टर जी। 21 जून को योग दिवस हर साल मनाया जाता है। डायरेक्ट क्वेश्चन भी पूछ लिया गया है कई बार कि योग दिवस का आयोजन किस दिन किया जाता है, तो 21 जून होगा आंसर। इसके बाद नेक्स्ट है दोस्तों, हाल ही में किसने हरियाणा राज्य बायोडायवर्सिटी बोर्ड के चेयरमैन का पदभार संभाला है? तो इसका आंसर दोस्तों गुलशन आहूजा। इसके बाद नेक्स्ट दोस्तों, फेमिना मिस इंडिया 2018 में मिस हरियाणा मीनाक्षी चौधरी ने कौन सा स्थान हासिल किया? तो दोस्तों मैं आपको बता देता हूँ, ये प्रतियोगिता हुई थी और इसमें जो रनर अप रही थी ये हरियाणा की है, मीनाक्षी चौधरी जो मिस हरियाणा है। मीनाक्षी चौधरी पंचकुला में इनका जन्म हुआ है, पंचकुला से संबंधित हैं। डायरेक्ट आपसे ये पूछ सकते हैं कि हाल ही में मिस इंडिया 2018 में उपविजेता रही मीनाक्षी चौधरी का संबंध हरियाणा के किस ज़िले से है? तो पंचकुला की हैं दोस्तों ये, और आपको कमेंट करके ये बताना है कि अब की बार मिस इंडिया 2018 कौन बनी है। इसके बाद नेक्स्ट दोस्तों, हाल ही में किसे हरियाणा माटी कला बोर्ड का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? तो ये काफ़ी नियुक्तियाँ हुई हैं दोस्तों, इम्पोर्टेंट है, कई बार पूछे जा चुके हैं इनसे रिलेटेड क्वेश्चंस, तो इसलिए मैंने ये कवरअप किए हैं लगभग सही सभी जो नियुक्तियाँ हुई हैं पिछले दिनों। तो ये हैं दोस्तों करण सिंह रानोलिया, जो कि माटी कला बोर्ड के अध्यक्ष नियुक्त किए गए हैं। इसके बाद नेक्स्ट दोस्तों, भारत के पहले पैरालंपिक भवन की स्थापना हरियाणा के किस जिले में की जाएगी? तो दोस्तों जो देश का पहला पैरालंपिक भवन है वो हरियाणा के फरीदाबाद में बनाया जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट दोस्तों, पिछले दिनों एक रिपोर्ट आई थी नीति आयोग की, उसमें जो देश का सबसे पिछड़ा हुआ जिला है जो हरियाणा का नू है, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, नेशनल जीके में भी आपसे पूछ सकते हैं, नेशनल का कोई एग्जाम हो हरियाणा से बाहर भी वहाँ पर भी पूछा जा सकता है कि हाल ही में नीति आयोग द्वारा किसे सबसे पिछड़ा जिला घोषित किया गया, तो उसका आंसर हो जाएगा दोस्तों नूह मेवात। इसके बाद नेक्स्ट दोस्तों, SN ढींगरा आयोग संबंधित है, ये दोस्तों अभी एक दो दिन पहले भी चर्चा में रहे हैं, आपको पता है रॉबर्ट वाड्रा प्रियंका गांधी के जो हस्बैंड हैं वो मानेसर गुड़गांव में जमीन घोटाला हुआ था, उसके लिए ये एक आयोग गठित किया गया था, SN ढींगरा आयोग। तो ये काफ़ी चर्चा में रहा है दोस्तों, अभी पिछले दिनों अभी चर्चा में रहा है, इसलिए मैंने ये क्वेश्चन लिखा यहाँ पर, SN ढींगरा आयोग। और जो अभी एक दो दिन पहले ही CM हुड्डा और इनके खिलाफ FIR भी दर्ज हुई है 2-3 धाराओं में, तो इसलिए इम्पोर्टेंट है ये, आपसे ये डायरेक्ट पूछा जा सकता है कि SN ढींगरा आयोग का संबंध किस घोटाले से है या किस व्यक्ति से है, किसी प्रकार से आपसे पूछा जा सकता है। इसके बाद लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों इस वीडियो का, अब की बार किसे कल्पना चावला शौर्य अवार्ड से सम्मानित किया गया? तो दोस्तों दो लेडीज़ हैं दोनों ही, इनको ये अवार्ड अब की बार दिया गया है, अनीता गुंडू हैं हिसार की, आपको पता है माउंटेनियर हैं ये, इसके बाद सुनीता चौकन हैं, इन दोनों को अब की बार कल्पना चावला शौर्य अवार्ड से सम्मानित किया गया है। दो क्वीज क्वेश्चंस भी मैंने आपको इस वीडियो में बताए हैं, वो आपको कमेंट करके बताना है कि एक तो क्वेश्चन था कि हमारा राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का अध्यक्ष किसे चुना गया है, और दूसरा क्वेश्चन था मिस इंडिया अब की बार कौन बनी है, ये दोनों के आंसर आपको देने हैं कमेंट्स में। दोस्तों वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके हमें ज़रूर बताएँ। इसके अलावा अगर आपको पसंद आया वो वीडियो तो ज़्यादा से ज़्यादा इसको लाइक करें, शेयर करें, और चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, क्योंकि अब आपको रेगुलरली वीडियोस मिलते रहते हैं हमारे चैनल पर, और जो आपके आने वाले एग्ज़ाम हैं उनसे रिलेटेड वीडियोस भी मैं अब आपके लिए लेकर आऊँगा, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। थैंक यू।